Welcome to my channel Blushing Beauty. How are you doing today? Guys, मुझे उम्मीद है कि आप सभी cool होंगे and fit and fine होंगे. आज की ये वीडियो एक हेयर फॉलिंग सीरम के ऊपर है. आज मैं आपको एक सीरम के बारे में बताने वाली हूँ जो कि होगा fully natural and आयुर्वेदिक. उस सीरम के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एंड वो सीरम है ये. यस, ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ. ये बायोटिक ब्रांड का है. गाइस, ये सीरम मैंने यूज़ किया है, उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू कर रही हूँ. तो आज मैं इसके बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज देने वाली हूँ. तो प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. आइए शुरू करते हैं गाइस. गाइस, ये है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो माउंटेन एंड बाय. यस, ये बायोटिक ब्रांड का है. बायोटिक ब्रांड के मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. और ये है वाइटलाइजिंग सीरम फॉर फॉलिंग हेयर्स. इसमें यहाँ लिखा हुआ है ये वाइटलाइजिंग सीरम फॉर हेयर फॉल्स. यस, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या करता है गाइस. इसमें ये भी लिखा है इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट. मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप ये यूज़ करें तो ये आपकी हेयर ग्रोथ करेगा. ये हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट है एंड इसमें यहाँ लिखा है ये 100% आयुर्वेदिक है. यस, सी गाइस, ये 100% आयुर्वेदिक लिखा हुआ है यहाँ. अब मैं आपको बताऊँगी गाइस, ये मैंने नायका से परचेस किया था. आप इसे कहीं से भी परचेस कर सकते हैं. एंड गाइस, इसको मैंने 185 रुपीस का परचेस किया था. 185. और ये जो है तो गाइस, इसमें ये बेसिकली ये कहना है इस कंपनी का कि हाँ, अगर आप ये वाला सीरम यूज़ करेंगे तो आपकी हेयर फॉलिंग रुक जाएगी, हेयर ग्रोथ अच्छी खासी होगी. तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये इस तरह की बॉटल है, मतलब ये इसका पैक था. ये बॉटल है, ये बॉटल है इसकी. ये मैंने मतलब यूज़ कर लिया यहाँ तक. ये देखिए, यहाँ तक यूज़ कर लिया, ये खा ली, यहाँ से फैल है इतनी. तो गाइस, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि है तो ये आयुर्वेदिक और मैंने ये बहुत दिल से ख़रीदा था क्योंकि मैं इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. इनफैक्ट बायोटिक का मैं फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ये ख़रीद लेना चाहिए. एंड जब मैंने इसे यूज़ किया, अब मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, इसकी स्मेल मतलब बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक टाइप की है. यस, ये आयुर्वेदिक है, कॉस्मेटिक नहीं है, तो इसकी स्मेल भी आयुर्वेदिक होगी. तो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक है. और मतलब सीरम क्या होता है गाइस, सीरम बेसिकली चिपचिपा टाइप का होता है, थोड़ा ऑयली टाइप का होता है, बट ये चिपचिपा कुछ भी नहीं है. देखिए, मतलब पानी है, मतलब बिल्कुल पानी सा है. देखिए, मतलब पानी है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इसमें. ये एक तरीके से कह सकते हैं वाटर है. यस, ये एक पानी है. और इसको इन्होंने कहा हुआ है कि अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट टू ड्राई स्कैल्प. आपको ये अपने बालों में नहीं, स्कैल्प पे लगाना है. एंड मसाज जेंटली विद सर्कुलर मोशन, लीव ऑन एंड स्टे एज डिज़ायर्ड. तो आपको बेसिकली ये अपने स्कैल्प पे लगाना है. तो थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ किस तरह से लगाना होता है गाइस. देखिए, ये मेरी स्कैल्प है, तो इस तरह से लगाना होता है. ये मैंने लगा लिया है. नाउ अब मैं इसको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा मसाज करनी है इस तरह से. आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं गाइस, बट मैं हैंड से लगा रही हूँ क्योंकि मसाज हैंड से ही करनी है, तो कॉटन का क्या यूज़ करना. ये लगा लिया है, अब मैं इस साइड लगा लेती हूँ गाइस. इसमें ये भी लिखा है गाइस, ये डैंड्रफ को कम करता है. तो मैं भी आपको ये भी बताऊंगी कि वाकई में ये डैंड्रफ को कम करता है या नहीं. तो पहले मैं आपको लगा के दिखा दे रही हूँ, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगी कि इसने क्या वर्क किया मेरे हेयर्स पे. इधर भी लगा लेती हूँ मैं. यहाँ पे पीछे भी लगाना है, मतलब पूरे हेयर्स में आपको लगाना है इसको. और मसाज करनी है, थोड़ी सी मसाज करनी है, ज़्यादा मसाज नहीं करनी है गाइस आपको.
तो गाइस मैंने अपने हेयर्स में अच्छे से अप्लाई कर लिया है पूरा अंदर अंदर, मतलब है ये पानी पानी टाइप का सा, तो इसे अप्लाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और आपके हाथ चिपचिपे भी नहीं होते हैं। मतलब बेसिकली एक पानी है, जैसे गुलाब जल होता है ना पानी जैसा सा, वैसा ही है ये। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसने क्या वर्क किया गाइस। ये प्रोडक्ट मैंने जब परचेस किया था अप्रोक्स लास्ट साल, मतलब लास्ट ईयर परचेस किया था, और इस प्रोडक्ट को मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया गाइस, तो इसने मेरे पे कोई भी वर्क नहीं किया। जी हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तभी ये अभी तक इतना बचा हुआ है। जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ना, ये इतनी बची हुई है। क्यों बची हुई है, उसकी वजह यही है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया गाइस। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आप सभी से गाइस। ये मैंने यूज़ किया तो मुझे बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट मिले, मेरे हेयर फॉलिंग बढ़ गई, डैंड्रफ बढ़ गया, और हेयर ग्रोथ तो आई डोंट नो, हेयर ग्रोथ का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता जब हेयर फॉलिंग बढ़ गई और डैंड्रफ बढ़ गया। तो मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया, क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मी ने कहा था कि अगर तुम कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हो तो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने इमीडिएटली इस प्रोडक्ट को यूज़ करना छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने और प्रोडक्ट्स ट्राई किए, मतलब शैम्पूज़ लिए और भी चीज़ें लगा के देखी, तब फिर मैंने सोचा कि ये मुझे सूट नहीं किया। बट गाइस, यहाँ पे एक और बात मैं कह देती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी सेम यही प्रोडक्ट ट्राई किया। जी हाँ, उन्होंने सेम यही प्रोडक्ट ट्राई किया था, यही बायोटिक का वाइटलाइजिंग सीरम, जो हेयर वाला सीरम है, यही प्रोडक्ट ट्राई किया और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे। उनके हेयर्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई और उनके हेयर्स काफ़ी अच्छे हो गए। तो आई डोंट नो, या तो मेरे हेयर्स बेकार हैं, या फिर मुझे सूट नहीं किया, या फिर आई डोंट नो, मतलब उन्हें सूट किया मुझे नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको ये सूट कर जाए। कंपनी मतलब ब्रांड ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब कुछ इस तरह का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं हेयर ग्रोथ के लिए अपनी, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही है, और इसको लगा के आपको ऐसा नहीं है कि हेयर वॉश करनी होती है या बाहर जाने से पहले अजीब सा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने इसे जस्ट लगा लिया है और मैं बाहर जा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी बालों में चिपचिपापन नहीं आता है। तो आप अगर चाहते हैं आप इसे ट्राई कर लीजिए, और आप एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ये वाला प्रोडक्ट ट्राई किया तो आपको सूट किया या नहीं, क्योंकि मुझे ये सूट नहीं किया, तो शायद आपको कर जाए गाइस। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने आपके सामने रख दिया, अब आपके ऊपर है कि आप इसे लेंगे, यूज़ करेंगे, आपके ऊपर क्या रिजल्ट आता है, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रा भी पसंद आई हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो मेरा रियल ओपिनियन जो मैंने आपके सामने रखा, तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड गाइस एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप छोटे छोटे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं उससे मोटिवेट होती हूँ। आपके कमेंट से गाइस मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, मेरी बातें आप तक पहुँची, तो हो सके आप एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टाटा।